फाइनली हम लोग का शूट यहाँ पे खत्म हो गया और बाला ने हम लोग को बहुत झेला, बहुत मतलब इवन एक उसका बच्चे ने ग्लास तोड़ दिया, कुर्सी तोड़ दिया, यहाँ पे कुर्सी सारी मैस हो गई है। सुनो तो थैंक्स मेरे भाई, तूने इतना झेला हम लोग यार, आज फॉलो जीरो भाई के साथ नहीं है, ये कार्ड ठीक है। तो हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोग देखना, और हाँ ये भाई का स्टोर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विजिट करो, और अगर आप लोगों ने अभी तक इसका व्लॉग नहीं देखा है तो आई बटन है ऊपर, आई बटन में इसका व्लॉग देख लेना, बहुत सही चीज है भाई। इधर हम लोग अभी बाद में कभी आए खाने के लिए, हमारे पास टाइम नहीं, हमको छूट काम पे ठीक है। चलो फिर अभी हम लोग आगे जाते हैं और आप लोगों को आगे का शूट जो जो है दिखाते हैं। बाय। मैं घर पे आ गया और जो कार्ड था वो फुल हो गया था, बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो बैटरी को चार्जिंग पे लगाया और इवन मैंने कार्ड को कॉपी करने को लगाया। तो अभी हम लोग दोबारा जाएंगे, देखो शुभम आया मेरे साथ, तो अभी हम लोग दोबारा जाएंगे और दोबारा जाके दो तीन शॉट्स और लेने, बहुत सारे इवन हम लोग उसके बाद शुभम के घर पे भी जाएंगे, तो सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे ठीक है। तो अभी इस कार्ड को कॉपी कर लेते हैं और फिर उसके बाद घर पर निकलते हैं, उसके बाद निकलते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो फाइनली हम लोग ने आधा शूट यहाँ पे ख़त्म किया बहुत, और मेरे साथ बैठा हुआ है मिठा। अच्छा क्या हो गया पता है क्या, कि मेरी गाड़ी मैंने आदर्श को दिया, आदर्श और शुभम मेरी गाड़ी से गए, दोस्ती निभा रहे दोनों जन, दोस्ती दोनों बोले कि यार हम दोनों एक साथ जाएंगे। मैंने बहुत मना किया, मैं बोला तुम लोग ओला से जाओ, मेरी गाड़ी में नहीं देता किसी को। तो आदर्श ने बोला नहीं नहीं मैं संभाल के चलाऊंगा। और आज इतिहास के पन्नों में एक और चीज लिखी जाएगी, पवन ने अपने न्यू फेजर पे ट्रिपल सीट ली। हाँ मैं वैसे ट्रिपल सीट लेता नहीं, मैंने मतलब जब से मैंने गाड़ी ली है तब से मैंने सिर्फ डबल मतलब दो जन ही बैठते थे, फिर मैंने बोला जाने दो चलो आज के एक दिन चला लेते हैं। और इवन मैंने गाड़ी को सर्विसिंग भी नहीं दिया है, तो बहुत जल्दी सर्विसिंग को भी देना है, करते हैं। और अभी फिलहाल हमारे साथ ओला में है ये लड़की, हाय क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। प्रज्ञा है हमारे साथ ओला में, और उनके बाजू में कौन है? प्रिया वारियर। प्रिया, तो ये लोग को आर्टिस्ट है, तो ये लोग भी वहाँ पे चल रहे हैं, तो वहाँ जाके हम लोग शूट करना है हम लोगों को बहुत सारा। तो धीरे धीरे आप लोगों को सारी बातें हम लोग बताते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। और ये अंकल है देखो जो ओला से हमको लेके जा रहे हैं, क्या नाम है अंकल आपका? थोड़े टाइम पहले बहुत चिढ़े हुए थे, उनको लोकेशन नहीं मिल रहा था। नहीं ओला का ऐसे ही होता है कि लोकेशन ट्रेस, एक बार ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने मेरे घर का लोकेशन दिया था और वो जाके खड़ा था पता नहीं कहाँ, दो किलोमीटर, फिर हमको उनको ढूंढने खुद जाना पड़ता है अपनी गाड़ी लेके। तो चलो कोई बात नहीं, फिर हम लोग चलते आगे, देखते क्या मिलता है। और भूख भी बहुत लगी है सुबह से हम लोग ने, मेरे को नहीं लगता कि तुम लोग ने भी कुछ नहीं खाया ना। तो अभी क्या दो फ्रैंकी खाई इसने, दो फ्रैंकी खाई और ये तो बीमार पड़ गई बेचारी। मैं टेलर पे हूँ। सुनी इधर का लाइट नहीं लगता है? नहीं। तो अभी देखते हैं अगर कुछ मिलता है हम लोगों को नाश्ता, तो हम लोग करते हुए जाते हैं उनके, अभी हम लोग निकल रहे शुभम के घर के लिए क्योंकि आधा शूट हमको वहाँ पे लेना है। तो नाश्ता करते हैं और आगे चलते हैं और आपको आगे मिलते हैं ठीक है। तो फाइनली हम लोग की तैयारी हो चुकी है शूट की और यहाँ पे हुक्का पार्टी चल रही है। और ये देखो ये जो रस्सी आपको दिख रही है रस्सी, ये वाली, तो वो जो रस्सी है तो यहाँ पे वो मैडम लटकेंगे और लटकने वाला थोड़ा सीन है। और ये देखो शर्मा साहब को, शर्मा साहब अपना हुक्का पी रहे और साथ साथ वो पी रहे कोक। और ये देखो खेल, देखो रिंग देखो, इसका बाप देख रहा है व्लॉग तो वो भी देखे रिंग, किसका बेटा कैसा रिंग निकालता है। अरे सच में निकाला रे भाई, भाई बड़ा निकाला, दो दो निकाला, तीसरा 18 साल का, जब से मेरे को लगता है ये बड़ा हुआ है तब से यही सीखा है। मेरा बाप अगर मेरे को पहले से छोड़ता ना मैं भी ऐसे करता। किसका बाप? हाँ ये देखो, हाय हाय। और ये अपना दिवेश गुरुवारा हैशटैग मिठा, दिवेश गुरुवारा यो यो दिवेश गुरुवारा यो यो। तो दिवेश वैसे तो 12 बजे के बाद बाहर नहीं रहता, लेकिन आज हम लोग का थोड़ा बड़ा शूट था तो इसके लिए शुभम जो है ये जो है कि थोड़ा बाहर है। और ये देखो ये क्या कर रहा है, हेलो इधर ही आप भी कर देना। ये भी कहाँ पे पार्लर में मन कर, सुनो थोड़ा फ्लेवर चाहिए मेरे को, थोड़ा फ्लेवर चाहिए और करना थोड़ा कलाकारी। वो नहीं के वो ऐसा रख के फिर ऐसा दो दो धुआं निकालते। हेलो
हाँ विक्की थोड़ा फ्लेवर चाहिए, घर में मेहमान आए मेरे। रात के 1:30 बज गए, रात के 1:30 या 2 बज रहे समथिंग, और अभी भी हमारा शूटिंग चालू है। और ये जो टैलेंटेड मेहनती लड़की है ये अभी भी हमारे साथ है, देख रहे हो कुछ हुआ है यहाँ पे। इसलिए शुभम भी है, सब है, शूटिंग कर रहे हैं, लड़की भी है, टैलेंटेड लड़की। हमने वैसे कुछ खाया नहीं है, आप मेरे चेहरे से देख सकते हो, तो जो भी है जैसा भी हम आपको अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। आदर से मैंने पूछा कि तेरे दोस्त को क्या हो गया था, तो बोलता है कि मेरे दोस्त के पेट में उसने बटन खाया था और उसका बटन फूट गया। कैसे फूटा है तेरे को, ये भी हंस रहा है, कैसे फूटा तेरे को भी पता है ना? आप लोग ना जिंदगी में कभी एक चीज मत करना, जोर से बोलो, जिंदगी में कभी चीज मत करना, गलती से प्यार मत करना और गलती से सिगरेट मत करना। सिगरेट बहुत बुरी चीज है, जब दो बात करते तो बीच में गुड़गुड़ आवाज नहीं करते, बात करें हम दो। सिगरेट के बारे में कुछ बता रहे थे आप, सिगरेट पीना जिंदगी के लिए हानिकारक है, हानिकारक है। क्या होता है सिगरेट का पीने से? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिगरेट अगर आपको उसका बैकग्राउंड देखना है ना, कितना गंदी चीज है, तो एक सिगरेट लो और एक टिश्यू पेपर बोलते हैं टिश्यू पेपर लो, और सिगरेट के जो पीछे रहते हैं ना उसको लगाओ। मंग जाए तो मैं आपको आगे के इसमें दिखाऊंगा करके कि वो मैं पीऊंगा नहीं, उसको किससे पिलवाऊंगा और उसको बैकग्राउंड मतलब, लेकिन काम तो तुम वही करोगे, किसी और को मारोगे पिलवा के। अब अभी आप लोग को दिखाना है तो पिलाना जरूरी है, तो उसको मारना जरूरी है, और उसको मारना जरूरी है, और वो मर गया तो मर गया, तो मर गया, अब क्या कर सकते हैं। मतलब तू एक जान बचाने के लिए नहीं, मतलब तुम सोचो कितना अच्छा सोच रहे हो कि तुम एक जान मार के बहुत सारी जान बचा रहे हो। ये देखो, ये तो बस वो जो 7 रुपए की सिगरेट है उसमें तुम्हारी जिंदगी कुछ नहीं। वाह भाई तू रुलाया, रोने आया कि नहीं तेरे को? वही 7 रुपए का चीज है ना, ये ना बंदर जैसा दिखता है मेरे को, देख जरा एक बार इसका मुंह देख, ऐसा जो था वो हनुमान वाला जो पिक्चर ऐसा मुंह करते हुए देख, ये देख एक बार वैसा रो जैसा रो रहा था, एक बार रो ना, ये देख बंदर देख रहा ये ना, ये देखो ये माकड़ मानव पाया गया, माकड़ मानव है। तो वही 7 रुपए की चीज है ना, एक बिस्किट लीजिए दुकान से, बेचारे कुत्ते को खिलाइए। अरे भाई एक मरने बिरने का क्या काम कर रहा है तू, बच्चा है अभी, अभी उम्र है तेरा मरने की, जिंदगी से तंग आ गया, और हुक्का पीते समय नहीं तंग आता भाई, हुक्का इज लाइफ, हुक्का इज लाइफ ना। मैं तो सोच रहा हूँ कभी किसी दिन इसका पप्पा देखना चाहिए व्लॉग, भाई पप्पा देखते हैं कभी कभी आपके व्लॉग, तो देखने में दिख गया तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो नहीं डिलीट करूंगा, हाँ पप्पा डिलीट कर देंगे। और इतना दिन कहाँ था तू? बस आप लोग के दिल में। किधर दिल में, कहाँ दिल में? अपना दिल खोल के देख लीजिए, आदर्श शुक्ला तुम्हारे दिल में रहेगा और किधर नहीं जाएगा। अच्छा, और अभी कौन सा गाना बन रहा है? ओ मैं तो तेरा मन भरिया, तो इसके बाद नया सॉन्ग आएगा कि नहीं? आएगा ना, बस सब आएंगे। कहाँ गायब रहते हो आप? कहीं नहीं यार, आपके दिल में हूँ, बोल रहा हूँ, कहाँ गायब रहूंगा, आपको छोड़ के किधर जा सकता हूँ। मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तुम्हारा, बताइए, आप ही मेरी माँ हो। आपकी हाइट क्या है? 6 फुट 7 इंच। 6 फुट 7 इंच। नाक कितना बड़ा है? आपका पूरा नाम क्या है? आदर्श सुदामा प्रसाद मनोज शुक्ला। सुदामा प्रसाद, आदर्श सुदामा प्रसाद मनोज शुक्ला। ये देखो बच्चा, कल तो अब हमें जीने दो, जीने दो सारी उम्र। तो अभी बज रहे हैं 6:30 और अभी हम लोग जा रहे हैं, जो हम लोग को बाहर का शूट लेना था वो बाहर का शूट लेते हैं। अच्छा डर गया, मेरे को लगा कैमरे पे स्क्रैच आएगा, लेकिन नहीं आया। और अभी शुभम को घर पे छोड़ देंगे, और कचर पचर कचर पचर यही रात भर से चालू है, देखो इधर फोटो वोटो चालू है, पता नहीं कैसे लोग है। तो अभी बाहर जाते हैं और बाहर का शूट लेते हैं, जो कि हम लोगों को शूट लेना है, एक प्रपोजल का शूट लेना है, तो वो प्रपोजल का शूट लेते हैं, और आगे अगर दिखाने मिलता है तो आपको दिखाते हैं। और पहले अभी शुभम के घर से यहाँ से निकलते हैं, ये देखो क्या फोटो आया है। नमस्कार, चलो आपको भी गुड मॉर्निंग। सो अभी हम मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं, मेरे चैनल का नाम है विजय पवन सिंह, और मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं, और अभी हम निकले दूसरा शूट कंप्लीट करने के लिए।
पहले वाला शूट कंप्लीट करने के लिए एंड दूसरा वाला कंटिन्यू करने के लिए निकले. सो देखिए व्यू देखिए कितना अच्छा आ रहा है मॉर्निंग का. और अगर आपको टाइम देखना है तो मैं आपको टाइम भी बता सकता हूँ कितना हो रहा है टाइमिंग अभी. सो देखो टाइमिंग अभी हो रहा है 6:33 ओके मेरे सेल फोन में. सो आगे की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, आप कहीं जाइएगा मत. आप तब तक व्यू देखिए कितना अच्छा है.